सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो फ्री फायर में अपडेट के बाद बहुत से चीज़ें चेंज हो चुका है और बहुत से चीज़ें रिटर्न भी आया है, जैसे कि स्कल फाइटर बंडल। वैसे ये बंडल मैजिक क्यूब में एक्सचेंज करने के लिए आया है और ये जब 2 से 3 साल पहले जब आया था ये फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत रेयर बंडल था। अच्छा, तो चलो आज उसी बंडल को निकालते हैं, वो भी मैजिक क्यूब से। अब मैजिक क्यूब से आया है तो अपने पास तो बहुत सारा मैजिक क्यूब भरा पड़ा है। चलो दिखाते हैं कि अपने पास कितना मैजिक क्यूब है। ये देखो गाइस, अपने पास 15 मैजिक क्यूब है। असंभव, फ्री फायर में इतना मैजिक क्यूब खजाना से कम नहीं है। तो चलो जल्दी से इस बंडल को एक्सचेंज कर लेते हैं मैजिक क्यूब से, फिर उसके बाद एक ओवर पावर सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम खेलेंगे इस बंडल के साथ और मचाएंगे गेम में क्या तबाही। ये हो गया रिडीम ये बंडल मैजिक क्यूब से। अब आएगा मजा, देखते हैं कैसा लगता है अपना कैरेक्टर इस बंडल के साथ। ओ भाई, क्या ही तबाही लग रहा है सच में। आज ना पूरा इस गेम में मैं तबाही मचा दूंगा इस बंडल के साथ, वो भी एकदम ओवर पावर। तो चलो अब इस बंडल के साथ फटाफट गेम स्टार्ट करते हैं और करते हैं बूम बाम और फिर निकालते हैं गेम में भोया। ओके, तो इस ब्लू जोन में काफी ज्यादा बंदे आ रहे हैं। इस स्कैनर देख के लग रहा है कि शायद 15 से 20 बंदे या उससे भी ज्यादा है लगता है। तो आज तो इस बंडल के साथ फिर बहुत ही ज्यादा ओपी गेम प्ले देखने को मिलेगा आप लोगों को। वैसे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने बंदे इस बंडल को निकाल चुके हैं और कितने बंदे नहीं निकाले हैं। तो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज का गन मिल गया अपने को, मतलब शॉर्ट रेंज का गन थॉमसन है और लॉन्ग रेंज का गन SKS है। तो चलो अब सीधा रस मारते हैं। वो टिस्टेक साउंड क्यों आ रहा है? इधर से आ रहा है, वो भाग रहा है। ये पीछे से बेचारे का खोपड़ी खुल गया। तो यहाँ पे इस तरफ भी इनेमी है, फायरिंग का लोकेशन आ रहा है यहाँ पे। वैसे काफी बंदे हैं और गोरा एक इसका टीममेट इधर भाग रहा है। अरे कहाँ गया अचानक से? आई थिंक टायर से उछल के ये आ गया है। ये भी नॉक हो गया बेचारा, कुछ भी लूट नहीं कर पाया था, शायद अभी अभी लैंडिंग किया होगा। तो इधर फायरिंग का लोकेशन वो आ रहा है, मतलब इनेमी दिखाई नहीं दे रहा है, फायरिंग का लोकेशन बस आ रहा है। तो चलो अब सीधा यहाँ पे एक मेडिकेट लगा लेता हूँ और फिर उनके पास पहुँचते हैं। कहाँ पे है? इधर ही तो लड़ रहे थे। वैसे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बंदे आए हैं। कहाँ पे है वो रहा? वो बैठा है खोपचे पे। ये आया है चला गया। कितना बड़ा बेखूब बंदा है, ब्लू जोन में आने के बाद इतना आराम से लूट कर रहा है, ऐसा कोई करता है? और ये देखो एक और ही नहीं। वैसे इसका मैं फुटी स्टेप साउंड सुन लिया था यहाँ बगल से जब गुजरा। तो ये ओके, ये रहा, ये नॉक हो गया। अज्जू भाई, ओ माय गॉड, हिंदी में लिखा है अज्जू भाई। अज्जू भाई तुम कहाँ जा रहे हो? घसीटते घसीटते मर गया अज्जू भाई साहब। चलो इसके पास क्या क्या है जल्दी से लूट करके फिर और इनेमी मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा इनेमी आए हैं। One hour later. मेरे राइट साइड में हिट लिस्ट वाला इनेमी है, चलो उसी को मारते हैं। ये नॉक हो गया हिट लिस्ट वाला। चलो इसको सबसे पहले पूरा मार देता हूँ। अगर क्यों चोरी हो गया भाई, तो अपने को अपना गुस्सा जानते हो, ये लोगों को और गंदा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इससे अच्छा है कि इतना गुस्सा नहीं दिखाते हैं इस गेम में। ये भी नॉक हो गया। इधर से कोई इनेमी आ थोड़ी ना रहा है। ओके, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, चलो उसको कंप्लीट मार देते हैं। ओके, एक बंदा और। वो बंदा जो है ना इसी का टीममेट है, तो इसको आराम से मारेंगे, हेडशॉट मारेंगे इसको। तो ये आया पूरा रेड नंबर आया, ये गधा था, बेवकूफ था, बैठे बैठे मुझ पर फायरिंग। अगर कोई बंदा मेरे सामने बैठ के मुझ पर फायरिंग करेगा तो भाई वो तो खोपड़ी खुल जाएगा फिर उसका। मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ, बहुत डेंजर। ड्रिक स्टार एलिमिनेटेड भाई, यहाँ पे किल के लाले पड़े हैं और बंदे अपने आप ही मर रहे हैं, ये तो गलत है। और वो रहे कि नेमी जो शायद बेचारा सर्कल में जाने की जद्दोजहद करते हुए मारा गया। ये बंदा अपने स्क्वाड का अकेले ही बचा था और सर्कल में जाके अपने शायद टीममेट को बचाता, बट यहाँ पे उसका काम तमाम हो गया।
तो इधर और कोई इनेमी होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने लॉन्च कर दिया स्कैनर। ओके, शायद कोई भी इनेमी नहीं है इधर, कोई थोड़ी ना है कोई। ओ भाई नहीं है, तो एक काम करते हैं, सामने जिस बंदे को मैंने मारा है उसका पेटी लूट लेते हैं। इस पे क्या है? ओह माय गॉड, यही तो चाहिए था अपने को। यहाँ पे दो चीज़ मिल गया, मतलब एक सेल्फ रिवाइव इंजेक्शन और दूसरा वेस्ट, वो भी 4 लेवल का। तो जल्दी से इसको लूट करके फिर सर्कल में चलते हैं, क्योंकि फिर श्रिंक स्टार्ट हो चुका है। ओके, कोई नेमी अगल बगल में थोड़ी ना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फायरिंग का लोकेशन आ रहा है। कहाँ पे है वो? रहा, ये भैया मेरे को देख लिया था, तभी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। चलो, अपने पास ग्लू वॉल काफी है तो इसको लूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने 3 बंदे बस बचे हैं, जो कि वो रहा। ये नॉक हो गया, दूसरा कहाँ है भाई? दूसरा और तीसरा वो रहा। ग्लू वॉल लगा दिया, ये भी नॉक। ये कहाँ लग गया लॉन्चर? ओ भाई, इस बंदे ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया। यहाँ पे श्रिंक भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है। चलो, इसको नॉक किया तो उसका भी किल आ गया, और ये मर जा। ओ यार, एक गोली का होगा, ये मारा गया लास्ट बंदा भी। मैंने बोला था कि ये बंदा 1-2 गोली का है, तो 2-3 गोली पड़ा और उसके बाद ये बेचारा मारा गया और अपना हो गया गेम बोया, वो भी इस बंडल के साथ। तो अगर आप लोगों को ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है? ठीक है, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।